हेलो, वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से एक बार शोर मचा दीजिए, पहले हल्ला बोल हो जाए, फिर एक अमेजिंग चैप्टर का शुरुआत करते हैं आज, शुभारंभ करते हैं आज। अमेजिंग, हाउ इज द जोश एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हल्ला बोल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, जल्दी से करिए एक बार। सब जगह जितने भी ग्रुप में हैं, सब जगह शोर मचाइए। आ गए आ गए आ गए। हेलो एंड थैंक यू फॉर यू नो पेशेंस दिखाने के लिए। जिज्ञासा, करिश्मा, तेजेश, गजानन, कीर्ति, इंपीरियल गीक, स्वाति रंजन, अदिति, कैसे हैं आप सब लोग। देखो ऐसा है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल चैप्टर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 1, एंड वी विल बी रॉकिंग इन हाइड्रोकार्बन गाइज, आई कैन अश्योर यू। फाइन, सो रोबिन, कुणाल सिंह, लिपिका, प्रज्ञा, सब लोग वेलकम, गुड इवनिंग। और वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेटेस्ट। वो हम कैसे बना सकते हैं? अगर हमने अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स आप लोगों में से बना दिए तो इंडिया ग्रेटेस्ट बन जाएगा। फाइन, तो चलिए हर लेक्चर को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इतना डिटेल्ड, इतना सब कुछ विद द शॉर्ट ट्रिक्स, लेसंस, सेशंस कहीं नहीं मिलेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू इन द डाउट ग्रुप? इफ यू आर नॉट इन द डाउट ग्रुप, यू आर मिसिंग समथिंग। फाइन, सो मैं नहीं चाहता आप कुछ मिस कर जाएं, सो गो इन दिस डाउट ग्रुप राइट नाउ बाय प्रेसिंग द लिंक। फाइन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप वहां चलिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना हाइड्रोकार्बन। आमिर, तौसिफ, आरती, सब लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे और बेसिक से हम सीधा बनेंगे हीरो, जीरो से हीरो, ठीक है मेरे हीरा लाल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हाइड्रोकार्बन। नाम में सब कुछ रखा हुआ है, हाइड्रो एंड कार्बन, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, बस। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रो हो और कार्बन हो, हाइड्रो इज फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बो इज फॉर कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। उसका फॉर्म क्या होगा भाई? CXHY टाइप का बन रहा हो वो कंपाउंड, CXHY। कुछ तो कार्बन हो, जैसे X के जगह 1, X के जगह 2, X के जगह 3, कोई भी आप नंबर वहां रख सकते हैं, Y के जगह 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड थर्ड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं सैचुरेटेड, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड, और क्या होते हैं एरोमेटिक, हम अभी पढ़ेंगे। देखो, हमने अभी ऐसा बोला कि भाई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हुआ है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब मैं बताऊंगा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड उसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड बोल देंगे। भाई अगर समझ में आ गया तो बोलिए हां। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड, जिसमें सिग्मा भी हो पाई भी हो, उसको अनसैचुरेटेड। और एरोमेटिक किसको बोलेंगे भाई? एरोमेटिक होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है इसकी साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक जब होगा तभी हम एरोमेटिक चेक करेंगे। साइक्लिक विथ 4N+2π इलेक्ट्रॉन विल बी एरोमेटिक। तो पहले हाइड्रोकार्बन समझ में आया कि नहीं? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड सैचुरेटेड, सिग्मा पाई दोनों अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक के लिए। अब देखो कंडीशन यहां पे खतरनाक तरीके से आपको दिखेगी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। क्या गलत थोड़ी ना लिखा हुआ यहां पे? देखो आप, हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करता है ओनली सिग्मा बॉन्ड, दे ध्यान देना, ओनली सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड यहां पर नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। आओ, अनसैचुरेटेड के अंदर पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, लेकिन मैंने यह नहीं लिखा ओनली पाई बॉन्ड, क्योंकि यहां सिग्मा भी होगा पाई बॉन्ड भी होगा। और एरोमेटिक के लिए गाइस, यू हैव टू सी कि क्या वो साइक्लिक है, और साइक्लिक के साथ साथ 4N+2π इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हमारे सिलेबस में क्या है उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या है हमारे सिलेबस में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करें आप लोग। हाउ इज द जोश इनसाइड एवरीबॉडी? हाउ इज द जोश? फाइन, चलिए, आप सब लोगों का जोश हाई है, और अगर आप लोग जोश हाई रखेंगे और मेरे से दोस्ती करेंगे राइट नाउ लाइक बटन के थ्रू, तो फिर मेरा जोश भी हाई होगा। और मेरा जोश हाई हो गया तो आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, एक बार मेरा जोश हाई हो गया तो वो टॉपिक ऐसी तैसी हो जाती है।
फाइन। अब देखो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या होता है, देखो सैचुरेटेड का एग्जांपल देखो अल्केन्स, मैं बताऊंगा अल्केन्स अल्केन्स अल्काइन सब बताऊंगा, अनसैचुरेटेड अल्कीन या अल्काइन, और एरोमेटिक मतलब बेंजीन जैसा केस, ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। देखो सैचुरेटेड को हम लोग बोल रहे हैं अल्केन, बहुत सिंपल करके पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके ऑर्गेनिक के। सैचुरेटेड का मतलब होता है अल्केन। सैचुरेटेड क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल केवल सिग्मा बॉन्ड हो, अल्केन्स, फिर इसमें सिग्मा भी हो पाई भी हो, वो अल्कीन और अल्काइन होते हैं। आपको पता है डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। और बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर दैट मींस वी हैव दिस साइक्लिक कंपाउंड, फाइन बहुत बढ़िया, साइक्लिक हो और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। 4n+2 कैसे दिखोगे, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तीन, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन पाई बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन, और चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। एन की वैल्यू 1 रखो तो यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर 4n+2 वाला बन रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, अगर 4n वाला बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक, वो हमने ऑलरेडी जीओसी में डिस्कस किया हुआ है, फाइन। चलिए अब हम एक एक करके अल्केन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अल्कीन, और फिर पढ़ेंगे अल्काइन, फाइन, और फिर पढ़ेंगे बेंजीन। ये चार अगर आपने कंप्लीट कर लिया हाइड्रोकार्बन के सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। अब आइए अल्केन से स्टार्ट कर देते हैं, फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है उसी को तो अल्केन कहते हैं। सैचुरेटेड है मतलब उसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, हाँ ना कि हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, समझ में आ गया, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, बहुत बढ़िया। ऐसा हाइड्रोकार्बन, आपको पता है हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला CXHY, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो केवल सिग्मा बॉन्ड कंटेन करे उसी को तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड को तो अल्केन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन, अगर आप इस टाइप के CnH2n+2 वाले, देखो ना CXHY, x की जगह n पुट कर दिया, y की जगह 2n+2 पुट कर दिया, अगर हमने इस टाइप वाले कंपाउंड्स लिए तो उसमें कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही नहीं। दैट मींस अगर इस टाइप के कंपाउंड्स कंसीडर करिए करेंगे तो हमें ऐसे ही कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स हो, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो उसको अल्केन कहते हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सिग्मा बॉन्ड, अब देखो एन की जगह 1 रखो यू विल गेट CH4, एन की जगह 2 रखो यू विल गेट C2H6, एन की जगह 3 रखो यू विल गेट C3H8। आप सबको इसको नोमेनक्लेचर बताने की जरूरत नहीं है, मीथेन इथेन प्रोपेन एंड सो ऑन। देखो CXHY से ही निकला है, x की जगह n, y की जगह 2n+2, अगर हमने n और 2n+2 इस्तेमाल किया और n की वैल्यू 1 2 3 4 रखा तो कभी भी इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा दैट मींस केवल सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड उसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। बाबा समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। इस अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफीन, पैराफीन, ठीक है। अब जितने भी शैतान बच्चे उनके दिमाग में अफीम अफीम घूम रही होगी, लेकिन सही घूम रही है, इससे रिलेशन है। अच्छा पैराफीन क्या होता है, पैरा का मतलब होता है लिटिल, लिटिल लिटिल, समझ रहे हो, पैरा का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा कम, और फीन का मतलब होता है एफीन, एफिनिटी, प्यार मोहब्बत, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, पैरा मतलब कम और एफिनिटी का मतलब प्यार, ऐसे कंपाउंड जिन जो प्यार कम करते हैं, जिनको प्यार कम है, जो मोहब्बत कम करें। अब केमिस्ट्री में मोहब्बत क्या होता है, रिएक्शन, भाई केमिस्ट्री में मोहब्बत होगा तो रिएक्शन होगा, बहुत बढ़िया। पैराफीन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, लेस एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है कम रिएक्टिव करेगा, कम रिएक्शन करेगा, कम रिएक्टिव होगा, सो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अब मैंने ये थ्योरेटिकली बता दिया कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों है, लॉजिकल सोचो, रटना नहीं है, अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों है। सर अभी आपने बोला कि अल्केन्स में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होंगे, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो अगर अल्केन को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होगी तो क्या रिएक्शन कर पाएगा, हाँ वही रिएक्शन कर पाता है जो जल्दी थोड़े से एनर्जी में टूट जाए। भाई ये तो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं जल्दी, देयरफॉर वी सेड कि इट इज लेस रिएक्टिव, लिटिल एफिनिटी,
एंड देयर फॉर इट इज कॉल्ड पैराफिन. क्लियर है? बहुत बढ़िया. और आगे आइए, अल्किन्स. देखो अल्किन्स जो सिग्मा बॉन्ड ही कंटेन करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज वेरी मतलब हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और चूंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, सो इट इज लेस रिएक्टिव. रिएक्शन कहां होगा? जिसमें कम एनर्जी लगे, तुरंत टूट जाए और रिएक्शन हो जाए. क्यों तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड्स को? क्योंकि कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं मिल पाएगा यहां पे. तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा. फाइन, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया. आगे आते हैं. अब जो आपके सिलेबस की जो क्वेश्चंस की बात है ना, ये सब तो मैं अभी तक ट्रेलर चला रहा था, भूमिका बना रहा हूं इस सिलेबस, इस चैप्टर का. अब जो आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में मिलेंगे, जो आपके जेई और नीट में होंगे, वो कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे. एक्चुअली अल्केन्स में आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको पढ़ना है कि अल्केन्स किस किस तरह से बनाया जा सकता है. क्या क्या पढ़ना है आपको? अल्कीन से अल्केन बनाना आना चाहिए आपको, अल्काइन से अल्केन बनाना आना चाहिए आपको, हाइड्रोजिनेशन से करके कैसे वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी. रोजनमंड कैटलिस्ट क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, बर्च रिडक्शन क्या है, एंड अगेन आई कैन से दिस इज वीवीआईपी, वीवीआईपी भाई, वीवीआईपी हाइड्रोजिनेशन, वीवीआईपी. तो एक सिंगल टॉपिक से आपके खतरनाक वे में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आएंगे भी. तो सब लोग सतर्क हो जाइए, सहज हो जाइए आराम से, और फिर इसको देखेंगे एकदम प्यार से. ठीक है? यस. अब आइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स को प्रिपेयर करना है. वो भी कहां से? फ्रॉम अल्केन्स. वी आर स्टडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और वो भी किससे अल्केन बनाना है? अल्केन से. सबसे पहला टॉपिक आपका यही है. अब देखो, अल्केन से प्रिपरेशन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. अभी आप बस सुनो, क्वेश्चंस तो अपने आप लगेंगे. हाइड्रोजिनेशन, कोई भी अल्कीन है, अल्कीन का मतलब आपके पास डबल बॉन्ड होगा, उस डबल बॉन्ड को अल्केन बनाना है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. वेरी सिंपल. हमें क्या बनाना है, अब देखना है यहां पे. हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अल्कीन से अल्केन. इज दिस करेक्ट? वी हैव टू मेक अल्कीन से अल्केन. अब अल्कीन में क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड, एवरीवन नोज दिस. और अल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, उसी प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. पूरी मैकेनिज्म समझेंगे, डोंट वरी, रटना कुछ भी नहीं है. डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. वेरी सिंपल, एंड दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर भाई. कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड. बाद में हम अल्काइन भी पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हाइड्रोजिनेशन यूज करेंगे. तो मल्टीपल बॉन्ड इसलिए लिख दिया कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड कन्वर्जन को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. द कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंटू सिंगल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वो सब अभी छोड़िए, वो सब अभी बाद में समझ आ जाएगा. बस इतना समझ में आ गया कि भैया डबल ट्रिपल से सिंगल बनाना इज हाइड्रोजिनेशन. अब आप पूछोगे कि सर ये डबल ट्रिपल से सिंगल बना कैसे, डबल ट्रिपल से सिंगल बना कैसे? अब मैं आपको हाइड्रोजिनेशन जब समझाऊंगा, जैसे कि यहां देखिए एक एग्जांपल. देखो, हम डबल बॉन्ड से और मल्टीपल बॉन्ड से, नॉट ओनली डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल में लेते हैं. सो एटमोस्फेयर है, उसमें से हमने हाइड्रोजन गैस, एच टू गैस, हाइड्रोजन गैस हमने ले लिया. एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हाइड्रोजन गैस है, आप ले लो. और निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं वो भी आएंगे, डोंट वरी. लेकिन हाइड्रोजिनेशन में मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए केवल दो चीज चाहिए, केवल दो. एक तो हाइड्रोजन गैस और निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम में से कोई भी, जरूरी नहीं तीनों हो, केवल निकेल भी होगा चलेगा, केवल प्लैटिनम भी होगा चलेगा, केवल पैलेडियम होगा चलेगा, तीनों में से कोई एक कैटलिस्ट ले लो तो आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है? अभी सब समझाऊंगा मैकेनिज्म, बस आपको मैं पूरा प्रीफेस अभी एक बार बता दूं. फाइन. अब देखो, ये रहा अल्कीन,
समझ में आ रहा है क्या? यहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? हां बोलना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, तब मैं आप बता पाऊंगा आपको। क्या आपको एल्कीन दिख रहा है? क्या आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? यस गाइस, सो अगर डबल बॉन्ड एल्कीन और डबल बॉन्ड दिख रहा है, और आपको बताया ना हमें क्या बनाना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाई एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स है, हमें इस डबल बॉन्ड को देखो, हम सिंगल बॉन्ड, यहां कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहां कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, हम सारे डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर चुके हैं, सिंगल बॉन्ड में। इस प्रोसेस में इस्तेमाल किसका करते हैं? एटमॉस्फेयर से लिया गया हाइड्रोजन गैस और कैटलिस्ट के लिए निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। क्यों कैटलिस्ट का इस्तेमाल आएगा, विल डिस्कस इट, फाइन। अब देखो, फाइन, चलिए तो देखना, एल्कीन है और हमें बना लिया यहां पे एल्केन, सिंगल बॉन्ड। अब कैसे बना है? सो वी विल यूज हाइड्रोजन गैस एंड एनी ऑफ द मेटल कैटलिस्ट, एनी ऑफ द मेटल कैटलिस्ट। ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट हुआ वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ये वही सेम रिएक्शन है, कैसे हुआ देखो, कैसे हुआ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ये, ठीक है, वी विल एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ये, और रिएक्टेंट और आपको रिएजेंट ये दिया होगा और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा। तो जब भी H2 गैस निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम दिया हो, तो सारे के सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स इट इज योर आंसर। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एक एग्जांपल दिखा दूं, फाइन। ये रहा बेंजीन, वेट गाइस, उससे पहले ये जो क्वेश्चन आ चुका है वो भी जेई एडवांस में, वो देखते जाइए, जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आ चुका है वो देखते जाइए, फाइन। ये रहा क्वेश्चन, और आप में दिया हुआ था H2 और निकेल, ये था क्वेश्चन, 2010 या 11 का क्वेश्चन है गाइस, सब लोग देखेंगे ध्यान से। यार H2 गैस एटमोस्फेयर से लिया हुआ है और फिर यहां पे एक मेटल कैटलिस्ट है, तो जब भी गैस हो H2 और कैटलिस्ट हो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सारे को सिंगल कर दो आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर क्या था, अब देखो, देखना यहां पे OH है, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल मल्टीपल बॉन्ड चेंज हो गया, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड था अब नहीं है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड था अब नहीं है, सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं वो सारे। दिस वॉज द आंसर गाइज। और ये सही में मतलब 2010 में इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये एडवांस में आया हुआ है, फाइन। चलिए अब देखो, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं एक एक करके, क्लियर। अब देखना ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखेंगे सब लोग गौर से देखेंगे तब बिल्कुल अच्छे समझ आएगा। आई एम टेलिंग यू द मैकेनिज्म नाउ। देखो सबसे पहले ये दो चीज पढ़ेंगे हमारे पास, मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक के किसी भी रिएक्शन में आप सीधा एरो पे जाओ, एरो पे क्या लिखा हुआ है, H2 प्लैटिनम और पैलेडियम या निकेल कोई भी लिया होगा, ठीक है। हम या एरो पे पहुंचे, हमारे पास क्या है, वी हैव हाइड्रोजन गैस इन द मोलिक्यूलर फॉर्म, H2 गैस इन द मोलिक्यूलर, दो हाइड्रोजन मिले हुए, H2 तभी तो बना है, H2, ये देखो आपका H2 गैस, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे ओवरलैप्ड होगा, फाइन, ऐसे H2 गैस उस बीकर के अंदर होगा, एक बीकर होता है जिसके अंदर H2 या PT या PD कुछ भी ले लो, और यहां पे C डबल बॉन्ड C ऐसे ऐसे रहता है। अब मैंने क्या किया, इसमें इसको डाल दिया, अब जैसे ही H2 गैस, H2 कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ मेटल कैटलिस्ट, देखना बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा मेटल है, ये मेटल का शीट है, मेटल का शीट दिख रहा है, मेटल के सीट के सरफेस पे क्या आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, सोडियम इज अ मेटल एंड इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, सोडियम इज अ मेटल एंड इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो एवरी मेटल लाइक निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये सारे मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्यों मोर रिएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज किया ये स्टेबल बन रहा है, तो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, दिस इज हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन, फाइन। अब होगा क्या, ये जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, अब क्या करेगा,
इसको मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन यहां दिखेगा, तो ये कहेगा अब मेरा ब्रेकअप हुआ क्योंकि तुमसे अच्छा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया। कल मैंने बोला था ना कुछ ऐसा कर कमाल कि कुछ अच्छा हो जाए, हो गया यहां पे। ये हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स लेके खुश हैं, लेकिन जैसे ही इस हाइड्रोजन को देखा मोर इलेक्टिव इलेक्ट्रॉन, ये भाग कि भाई तुम्हारा काम हो गया, नाउ ब्रेकअप, अब मुझे हाई इलेक्ट्रॉन, हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन मिल गया, फाइन, हाई इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, द सेकेंड प्रोसेस विल बी, ये जो मेटल के सर्फेस है ना, सारे जितने भी एच टू हमने इसके अंदर डाले हैं, वो सारे एच टू इस मेटल के सर्फेस के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, आपस में ब्रेकअप करेंगे और मेटल के हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे। ये टेंडेंसी होती है केमिस्ट्री में भी और अपने दुनिया संसार में भी। कोई ज्यादा अच्छा इंसान मिल गया तो पहले वाले लोग भूल जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, दिस इज द यू नो केमिस्ट्री यूनिवर्स, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन सी। ठीक है, समझ में आया। अब हुआ क्या, मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया। आइए, जैसे ही ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ जुड़ा, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस आर मोर रिएक्टिव, काहे मोर रिएक्टिव है, क्योंकि बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसलिए धड़ाक से निकलेगा, बहुत ज्यादा तेजी में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल बन रहा है, बहुत रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव है तो रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सर्फेस आर मोर रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव होने की वजह से जो H2 आपस में बॉन्ड बना रहे थे उनका हुआ ब्रेकअप, एंड हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, मेटल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये रहा कंपाउंड, वेट, अब क्या होगा, ये आपका फाइनल मेटल का सरफेस है H2, और इनमें से कोई भी मेटल हो सकता है, ऐसा रिएक्शन होगा। अब क्या होगा, अब हमने ये ऐसा बना है, अब ये जब चीज जैसे ही अल्कीन के कांटेक्ट में आएगा, ये जब चीज जैसे ही अल्कीन के कांटेक्ट में आया, जैसे ही अल्कीन के कांटेक्ट में आया, ये हाइड्रोजन ने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसा बॉन्ड बनी है, अब और ज्यादा चूंकि, अब देखो एक और चीज आपको बताना पड़ेगा, देखो एक ये बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी, और एक ये डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ। आपको होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज मैंने पढ़ाई हुई है कहां पे, जीओसी में, स्टिल मैं एक बार बताता हूं, ऐसे बॉन्ड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या करेंगे, चार्ज डेवलप कर लेंगे डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, और ऐसे बॉन्ड्स जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है वो क्या करते हैं, वो बीच से ब्रेकअप होते हैं और ये क्या फ्री रेडिकल बनाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे। अब इसमें क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले गया, तो जिसके तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया उसके पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो पॉजिटिवली चार्ज। अब इन दोनों में से कोई मजबूत नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं ले पाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन्स में एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, वेट थोड़ा रब करूं, थोड़ा समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा ताकि रटना ना पड़े कोई भी, ठीक है, रटना ना पड़े, सी दिस। अब होगा क्या, जैसे ये अल्कीन आएगा नॉट दिस, वेट, जैसे ही अल्कीन आएगा तो क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे बताइए, फाइन, जैसे ही अल्कीन आएगा इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा यहां पे, फाइन, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, बाकी जैसा था वैसा है। अब ये हाइड्रोजन देखेगा ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिएक्टिव ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये हाइड्रोजन इससे भी ब्रेकअप करेगा और इसके पास जाकर जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन जो मेटल सरफेस से जुड़ा हुआ है अब इससे भी ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन इसको यहां दिख गए, सो इट विल क्या करेगा कि हाइड्रोजन यहां पे जाके अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों, डबल बॉन्ड टूट के एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, फाइन। हाइड्रोजन जब यहां से ब्रेकअप करेगा तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है ही, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूट के है वो दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, एंड देयर फोर दिस डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इंटू सिंगल बॉन्ड। क्लियर एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा यूं कर देता हूं, सी दिस, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोजन बॉन्डेड विद मेटल। अभी क्या है, हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कॉन्टेक्ट में आया, इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बड़ा दगाबाज है, ये हाइड्रोजन बड़ा दगाबाज है, इस हाइड्रोजन को जहां अच्छा रिलेशन मिला वहीं पर ब्रेकअप करके नया बॉन्ड बना रहा है। देखो दिस,
मोर रिएक्टिव मिला और ये बॉन्ड हाइड्रोजन मेक्स बॉन्ड विथ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड पहले एक फ्री रेडिकल यहां देगा, एक फ्री रेडिकल यहां देगा, ये कैसे बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी जैसा था वैसा है, डबल बॉन्ड टूट के एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो अपना H2 है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्टेड होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, एंड सो योर आंसर विल बी लाइक दिस। इज दिस करेक्ट और नॉट करेक्ट, करेक्ट और नॉट करेक्ट एवरीबॉडी, ब्रेकअप थ्योरी एंड डन। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म नहीं जानना है, इतने डिटेल में नहीं जाना है, तो सिंपल भैया H2 निकल प्लैटिनम और पैलेडियम में से कोई भी हुआ, ऊपर H2 नीचे निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, ऑलवेज द आंसर विल बी सारे जितने भी डबल ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड में है खत्म करके हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे आइए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताता हूं। अब मैं पिछले जो स्लाइड पे मैंने ड्रॉ किया था, ये रहा मेटल सरफेस और ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, ऐसा प्रोसेस था, ये इलेक्ट्रॉन से मेटल के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाया हुआ है। अब क्या होगा, मेरा जो अल्कीन है वो यूं होगा। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन मेटल के या तो ऊपर साइड लगे होंगे या तो नीचे साइड लगे होंगे, तो जब मेटल और ये अल्कीन एक साथ आएंगे तो ये सेम साइड लगेंगे, भाई ये हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ है, ये हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ है, जब लगेगा तो ये इधर और ये इधर लगेगा, तो सेम साइड दोनों हाइड्रोजन लगेगा, और अगर सेम साइड लगता है तो इसी को सीन एडिशन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड अटैच होंगे, तो जब मेटल इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो सेम साइड लगेगा, तो जब हाइड्रोजन सेम साइड लगेगा इसी को सीन एडिशन कहते हैं, सीन एडिशन कहते हैं, बोथ द हाइड्रोजन आर ऑन द सेम साइड एंड इट्स कॉल्ड सीन एडिशन, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब जब सीन एडिशन है, सीन एडिशन का मतलब समझ में आया, क्या होता है सीन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे लगेंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे लगेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे या तो लेफ्ट या तो राइट, लगेंगे तो एक ही साइड, नीचे लगेंगे तो दोनों के दोनों नीचे, ऊपर लगेंगे तो दोनों के दोनों ऊपर, समझ में आया, और सेम साइड हाइड्रोजन के लगने को सीन एडिशन कहते हैं, और सीन एडिशन से जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है वो सिस प्रोडक्ट मिलता है, सिस और ट्रांस पड़े हुए, दोनों सेम साइड जाके लगेंगे, कॉल माय नेम एडू मंत्रा, वेलकम। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, करिए, इसका आंसर क्या आपको वही आ रहा है, क्या इसका आंसर आपको वही आ रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा एक इमेजिनेशन ऐड किया हूं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फाइन रेशमा, लव चौधरी, बहुत अच्छा, आहार दीक्षा, आमिर शानदार, श्वेता बहुत बढ़िया, कैरे पॉइंट कमांडो, दिव्यांश, दिव्येश बहुत बढ़िया, दिव्येश रंगनी रंगानी एंड लव चौधरी, मोहम्मद तारिक बहुत बढ़िया शानदार, सुमना पाल, रुबीना, मोहम्मद तारिक, चैन गोला भाई बहुत बढ़िया, फारूकी, लव चौधरी, देवव्रता, खुशी एंड सुबर्णा सहासेदिस। भाई अब क्या होगा इसमें, यहां पे हमने H2 या निकल प्लैटिनम और पैलेडियम देखा, डबल बॉन्ड की ऐसी तैसी कर देनी है, दैट्स इट, डबल बॉन्ड को ऐसी तैसी करके तोड़ दो, और यहां पे CH3 था, यहां पे D था, यहां पे CH3 था, यहां पे D था, हमने एक हाइड्रोजन विथ फ्री रेडिकल लाके जोड़ देना है, फाइन, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, इसका आज और अच्छा व्यू देखना आपकी जरूरत है। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इमेजिनेशन करा रहा हूं, देखो आंसर तो आ गया आपका, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, सारे H एक साइड लगा देना है, दैट्स इट। अब इसका थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, इसका 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बनाते हैं, इसी का 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बनाते हैं, इस लेफ्ट वाले कार्बन को यहां लिया, राइट वाले कार्बन को यहां लिया, इस कार्बन को यहां, राइट वाले को वहां, अब हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में हो क्या रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या मैं बोलूं, और कुछ सातिर बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे सर डू नॉट टेल लाइक दिस, टेल मी कि सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज सीन एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, और ये यहां से खूबसूरती से दिखेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना वो दोनों सेम साइड में लगे हुए हैं, देखना बहुत कमाल है भैया, ये जो हाइड्रोजन है वो दोनों सेम साइड में लगे हैं। अब इस पे एक डी है और एक डी है, अब क्वेश्चन में आइए, ये डी दोनों सेम साइड में है, दोनों डी सेम साइड में है, तो आप दोनों लेफ्ट वाले पे डी डी लगा दो, दोनों लेफ्ट वाले पे डी और डी लगा दो, और दोनों CH3 राइट में है तो दोनों राइट वाले पे CH3 लगा दो, देखना क्या खूबसूरत एक एक्सप्लेनेशन निकलेगा यहां से, देखना अभी आपको बन गया, ये आपको बना कि नहीं बना, आगे चलिए, क्या ये बना आपको, मिला के बताइए मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा,
दिस इज हाइड्रोजिनेशन। ये बन गया आंसर, आ गया कि नहीं? और हाइड्रोजिनेशन का शॉर्ट फॉर्म में सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नथिंग एल्स। अगर आपने ये सीख लिया कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, भैया ये भी काइरल कार्बन, ये भी काइरल कार्बन, मोर देन वन काइरल कार्बन हैविंग पीओएस और सीओएस। आपको दिख रहा होगा पीओएस है यार, लेफ्ट वाले CH3 के सामने लेफ्ट, उधर भी CH3 है, सामने सामने पड़ रहे हैं, इधर राइट वाले डी के सामने इधर भी राइट वाले डी है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? पीओएस है सर, अगर पीओएस है, एक से ज्यादा काइरल है, इसी को तो मीजो कंपाउंड कहते हैं। अब हमेशा के लिए एक थ्योरी बन जाएगा कि भाई, अब हमेशा के लिए एक थ्योरी बन जाएगा कि सर सिस, ये सिस फॉर्म है, दिस इज सिस फॉर्म, सिस का हमने क्या किया, सिन एडिशन किया है, सिन एडिशन किया है कि नहीं, हाइड्रोजिनेशन किया है। कभी भी सिस कंपाउंड का सिन एडिशन करवाओगे तो हमेशा मीजो प्रोडक्ट बनेगा, जो और मीजो आपको पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें पीओएस होता है, और किसी भी कंपाउंड में पीओएस आ जाए, सिमेट्रिक हो जाए, तो वो क्या होते हैं भैया, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। तो व्हेनेवर सिस, क्वेश्चन में सिस फॉर्म दिया हुआ है, जो कि दिख रहा है आपको भाई, सेम साइड पे है, सिस है, और सिस का हमने क्या कराया, सिन एडिशन। कैसे पता चला सिन एडिशन है? बिकॉज हाइड्रोजिनेशन इज सिन एडिशन, हाइड्रोजिनेशन इज सिन एडिशन, सो हाइड्रोजिनेशन से सिन एडिशन कराया, हमें यह मिला पीओएस सीओएस मीजो, इसी को तो भैया कहते हैं क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे आइए, अब हमने कराया ट्रांस का और ये है हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, सब लोग वाकिफ हैं, आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, और इसका करते हैं हम सिन एडिशन। भाई सिस होता, सिस का सिन मीजो बनेगा, ट्रांस का सिन क्या बनेगा, यही तो मतलब क्या बोले आपको, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही तो आंसर आप मुझे चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना है। बहुत शानदार सौरभ, करिश्मा, तानिया, रिदा, अक्षत एंड भावना एंड रुदीना, बहुत सही, अजय, रेशमा, कमांडो, तुषार शर्मा, बहुत बढ़िया। सिन एडिशन करिए, अब आप कुछ मत करिए, सिन एडिशन वेडिशन छोड़ दीजिए, आप तो क्या करिए ना यार, यहां पर आप एक वो बना लीजिए सो हॉर्स, आपको पता है सिन एडिशन है तो हाइड्रोजन है यहां पे, अगर सिन एडिशन किया है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आके लग जाएंगे, वेरी इजी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में लगा दो। अब देखो ऊपर की तरफ क्या है, डी और सी एच थ्री, दैट मींस एक साइड में क्या है, डी और सी एच थ्री, तो मैं दोनों कार्बन के लेफ्ट में लगा रहा हूं डी और सी एच थ्री, दोनों साइड के डी और इधर लगा दिया सी एच थ्री, और नीचे की तरफ क्या है, इधर सी एच थ्री इधर डी, तो नीचे वाले को मैं राइट पे लिख रहा हूं, तो इधर लिख दो सी एच थ्री इधर लिख दो डी। अब आप आंख फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश करो कि सर यहां पे तो भाई पीओएस सीओएस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आप देख लो, क्योंकि ये लेफ्ट वाले के सामने डी आना चाहिए लेकिन है सी एच थ्री, राइट वाले के सामने सेम आना चाहिए सी एच थ्री के सामने सी एच थ्री लेकिन आ नहीं रहा है, सी एच थ्री के सामने डी आ रहा है। भाई अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं भाई, देखना पड़ेगा, अलग अलग चीजें हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बोल दूं आपको, मैं क्या आपको ये बोल दूं, इरेजर एंड आई मीन वेट आई एम रबिंग इट फाइन, क्योंकि आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में ही वो दे देता हूं, लो दिखा आपको सॉल्यूशन, ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस का सिन एडिशन किया था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला था, मीजो कंपाउंड मिला था, ट्रांस का सिन एडिशन किया तो भाई कुछ और ही मिला है, ये देखो ट्रांस का सिन एडिशन करोगे तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, और आपको पता है जब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है तो उसका मिरर इमेज उसके साथ में होता है, एक डी एक एल एक आर एक एस, एक प्लस घुमाने वाला एक माइनस घुमाने वाला, हां ना बोलना पड़ेगा। अगर इसका मैं मिरर इमेज लूं तो मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वही वाला कंपाउंड है जो मैंने ड्रॉ किया है, इसका मिरर इमेज मैंने ड्रॉ किया यहां पर, इसका यह मिरर इमेज है फाइन। अब मिरर इमेज कैसे है यार, या तो नीचे दोनों सेम साइड से हाइड्रोजन आ जाए या तो ऊपर के दोनों साइड से हाइड्रोजन आ जाए, एज सिंपल एज दैट, और ऊपर के साइड में DCH3 तो मैंने लेफ्ट वाले पे D और राइट वाले पे CH3 लगा दिया, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, फाइन, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब एक और हमारे को कहानी मिल गई कि ट्रांस का सिन एडिशन करने से ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, या फिर आप बोल दो D प्लस L सिस्टम बनेगा या R प्लस S सिस्टम बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। अब कुछ मैं बाबा का बूस्टर देने आया हूं आपको, व्हाट इज दिस बाबा का बूस्टर,
अभी तक जो पढ़ा उसको दो मिनट में कैसे दिमाग में रिकॉल कर लें, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज हाउ यू शुड डू रिवीजन, दिस इज हाउ यू शुड डू रिवीजन बिफोर योर एग्जामिनेशन टू गेन 100% मार्क्स इन योर टेस्ट, इन योर एग्जाम, इन योर फाइनल एग्जाम गाइस, दिस इज हाउ यू शुड डू। अब देखो, हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन टॉपिक चुना रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में दिमाग लगाया, सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे टॉपिक में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हमने अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ना है, फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, H2 गैस, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम में से कोई भी, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। बोथ द हाइड्रोजन आर एडेड ऑन द सेम साइड, हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन ना कहके मैं बोल लूं सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा टॉपिक क्या दिमाग में रखना है, कभी भी सिस क्वेश्चन में सिस फॉर्म दिया हुआ है और उसका हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो हमेशा मीजो बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मीजो कंपाउंड बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर क्वेश्चन में आपके ट्रांस दिया हुआ है और ट्रांस का हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, और वो डी प्लस एल मिक्सचर बोल दो या आर प्लस एक्स एल मिक्सचर बोल दो या प्लस और माइनस बोल दो। समझ में आ रहा है, रेशमा, प्रवीण, रिदिका, आकर्षित, चैम, करिश्मा, कैरियर पॉइंट कमांडो, तारिक, मोहम्मद जावेद, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मोहम्मद जावेद। सो इज दिस करेक्ट और नॉट, इज दिस करेक्ट और नॉट, मेरे प्यारे बच्चों, हां ना बोलना पड़ेगा आपको, बहुत बढ़िया। सो ये वाओ फैक्टर है कि नहीं आपके लिए, वाओ आपको लग रहा है, वाओ, दिस इज हाउ यू वी शुड स्टडी, एंड कैरियर पॉइंट मेक्स यू स्टडी लाइक दिस। कैरियर पॉइंट ने पिछले 28 साल में लाखों स्टूडेंट्स को इंजीनियर और डॉक्टर बनाया है फ्रॉम एम्स एंड फ्रॉम IITs, तो आप भी बन सकते हैं विद दिस हेल्प, रेगुलर अगर आपने क्लासेस अटेंड करी, नो वन कैन, क्योंकि हम एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ाते हैं और कहीं इधर उधर भागते नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या आपका आंसर यही आ रहा है, यार हमारे पास H2 निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी दिख गया, वी विल डू सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट, वी विल डू सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इज दिस करेक्ट, वाओ बहुत बढ़िया। अब सिन एडिशन करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और फ्री रेडिकल बना दो, दोनों फ्री रेडिकल से हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया आंसर, CH से CH2, दो दो एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया दोनों कार्बन के पास, हां और ना, और आगे आइए। जब आपके पास ये हुआ तो अब क्वेश्चन में दिमाग में यह भी आया होगा कि सर अभी तक आप वही क्वेश्चन करा रहे हो जिसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इन केस ऑफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करते हैं, कोई जल्दी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। एक से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो सबसे पहले फर्स्ट लेस स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड जो होगा उसकी हाइड्रोजिनेशन सबसे पहले कराएंगे, फर्स्ट सबसे पहले लेस स्टेबल जो हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी हाइड्रोजिनेशन सबसे पहले होगी, और मोर स्टेबल वाले की हाइड्रोजिनेशन सबसे लास्ट में होगी। क्लियर है बच्चों? यस। अब देखो क्या होगा, ये क्या होगा देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो लेस स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी हाइड्रोजिनेटेड फर्स्ट। वैसे तो H2 निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम डालने से सारे एक सारे डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, लेकिन सबसे पहले लेस स्टेबल कन्वर्ट होगा एंड धीरे धीरे करके मोर स्टेबल वाले की तरफ बढ़ेंगे, फाइन। या आइए और आगे बढ़ते हैं, अल्केन अगेन, अब हमने अल्कीन्स के बारे में बहुत चर्चा करी, अब अल्काइन्स के बारे में चर्चा करते हैं, अल्काइन से कैसे बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट भाई। पहले अल्काइन, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, अब मैंने सबसे पहले एक 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 ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, फिर अल्कीन बन गया, तो अल्कीन तो हम पढ़ी के आ रहे हैं ना, अल्कीन तो हम पढ़ी के आ रहे हैं, तो फिर एक एक और हाइड्रोजन जोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। पहले अल्काइन से अल्कीन बनाओ, अल्कीन से फिर सिंगल बॉन्ड बना दो, हां या ना भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है कि ये आपको दिख तो रहा है कि अल्कीन से, या आपको कहने के लिए अच्छा है कि अल्काइन से पहले अल्कीन बनेगा और अल्कीन से फिर अल्कीन बनेगा, ये कहने के लिए अच्छा है, सारे के सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो इधर गायब होके सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे,
लेकिन कभी भी ये भूल मत करना, क्वेश्चन में दिया हो ट्रिपल बॉन्ड तो केवल एक स्टेप करा के आंसर छोड़ दो, ये कभी नहीं होता है। ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है, इतनी तेज सीन एडिशन होता है कि डायरेक्ट अल्काइन से अल्कीन बनता है। देयर इज नो एनी इंटरमीडिएट ऑफ अल्कीन, नो एनी इंटरमीडिएट, आपको दिखेगा ही नहीं। होता जरूर है कि अल्काइन से पहले एक डबल बॉन्ड टूटा, अल्कीन बना, फिर दूसरा डबल बॉन्ड टूट के अल्केन हो जाता है, होता जरूर, लेकिन कभी भी ऐसा कह मत देना किसी से, फाइन, कभी भी ऐसा कह मत देना क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा, फाइन। अब देखो ये वाला लाइन आपको पढ़ना है और आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये वाला लाइन आप पढ़िए, अल्काइन्स विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू अल्कीन्स, पहले अल्कीन्स में कन्वर्ट हो गए, और जब अल्काइन अल्कीन में कन्वर्ट हो गए देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स, फाइन, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन एक और बात यहां पे लिखी हुई है, एक और बात यहां पे लिखी हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट, सो हमें सीधा सीधा अल्केन्स मिल जाता है, हम अल्केन्स के बीच में अटकेंगे ही नहीं, फाइन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। और आगे आइए, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर से दिमाग लगाना है और यहीं पर देखना है मेरे नजरों पर जो मैं लिख रहा हूं, भाई क्या है ये अल्कीन है कि नहीं बोलना पड़ेगा, और क्या ये अल्काइन है कि नहीं बोलना पड़ेगा। अब मुझे बताइए अल्कीन ज्यादा होगा फास्ट रिएक्शन देगा या अल्काइन ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे सर यहां पे दो डबल, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड है, और यहां पे टू पाई बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड कोई भी बोल दीजिए आप, यहां पे ओनली वन पाई बॉन्ड है सर, यहां पे एक बार बॉन्ड तोड़ना है, यहां पे दो दो बार बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि सारे के सारे पाई बॉन्ड्स को तोड़ देना है हाइड्रोजनेशन में। तो आप कहोगे ये इजीली, ये जल्दी फास्ट हो जाएगा और ये स्लो होगा, बट द आंसर इज नॉट द सेम, बट द आंसर इज नॉट द सेम, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो भी आपके मन में डाउट था वो मैंने पहले क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन वाला, ऑलवेज कंसिडर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक चीज पर डिपेंड करती है और वो है सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड, और वो है सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड। अगर आपका रेट सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अब मुझे बताइए क्या ये sp2 कार्बन है और क्या ये sp कार्बन है, हां कि ना, sp कार्बन है, sp2 कार्बन कुछ ऐसा दिखता है और sp कार्बन कुछ ऐसा दिखता है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये प्लेन शेप में होता है, हा ना भाई, प्लेनर है ना, कम सरफेस एरिया लेगा, एक लाइन में आ गया, लेकिन ये इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, तीनों तरफ फैला हुआ, मोर सरफेस एरिया, ये केवल एक ही तरफ फैला हुआ है, लेस सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया कम, जिसका सरफेस एरिया कम, दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय द वे, दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका सरफेस एरिया कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि जो छोटा होगा वो जल्दी रिएक्शन करके आगे बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा है तो इसका रिएक्शन कम होगा, अल्काइन्स की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिएक्शन है। आइए अंशुमान एक बार और इसको देखते हैं, फाइन, आइए इसको एक बार और देखते हैं। देखो लेस सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि भाई अगर मान लो एक छोटा कंपाउंड है, एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है, टेनिस बॉल को आग पे रख दो और फुटबॉल को आग पे रख दो, कौन जल्दी जलेगा, ऑब्वियसली भाई टेनिस बॉल छोटा है जल के राख हो जाएगा, फुटबॉल को जलने में टाइम लेगा, ज्यादा देर है, ज्यादा बड़ा है। तो जितना सरफेस एरिया कम है, फायर आग लगाना इज ऑल्सो रिएक्शन, तो जितना सरफेस एरिया कम है भाई रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जल्दी रेट इसका तेज हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका रिएक्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया इसका कम होगा क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइज्ड है और ये एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है, सरफेस एरिया इसका कम होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर शेप है, एक लाइन में आके अपना बेचारा चुपचाप एक लाइन में फिक्स हो गया, लेकिन ये तो sp2 है, ये तो ट्रायंगुलर है, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये वही चीज मैंने यहां पे लिख दी, अल्काइन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, सिंस द अल्काइन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड दे आर लीनियर, So, वो एक लाइन में आके चुप हो गए, एक लाइन में आके बैठ गए, दे हैव द लेस सरफेस एरिया। उसी तरह अल्कीन जो है वो sp2 है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं ट्रायंगल के शेप में, तो ऑब्वियसली एक बेचारा सीधा लाइन है और एक ट्रायंगल है, तो
तो ज्यादा सरफेस लगेगा ट्रायंगल का तो मोर सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया लेस है उसका रिएक्शन ज्यादा होता है, जिसका सरफेस एरिया लेस है उसका रिएक्शन ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर वी कैन से कि अल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स इज मोर। फाइन एवरीबॉडी, समझ में आ गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। हाँ आनंद शर्मा, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सारे मल्टीपल बॉन्ड सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, बोल रहे हैं। अब मेरी मर्जी, जितने भी केमिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े उनके अंदर यो आग लगी होती है, तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब ये होता क्या भाई, सिंगल बॉन्ड सारे के सारे बनाए जा रहे हैं। देखो जैसा कि ये है, यहां पे क्या है, ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड जितने भी पाई बॉन्ड थे वो सारे सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। केवल ये H2 और पैलेडियम डाल दो, या H2 निकेल डाल दो, या H2 प्लैटिनम डाल दो। मेरी मर्जी, केमिस्ट ने सोचा मेरी मर्जी मुझे अल्कीन पे रोकना है इसको, मैं क्या करूं, मेरी मर्जी मुझे अल्कीन पे रोकना है, क्या करूं। अब एक बहुत शानदार सा एक गाना है, एक ट्रिक है जिससे आपका आपके लिए रिएक्शन याद हो जाएगा। रटना नहीं है, ट्रिक है, बहुत शानदार है, देखेंगे। यार ये था ट्रिपल बॉन्ड, ये अल्काइन है, अगर मैं H2 निकेल डालता या H2 प्लैटिनम या H2 पीडी डालता तो सीधा सीधा सारे के सारे बॉन्ड्स अल्केन बन गए होते। लेकिन अगर मैंने H2PD के साथ BaSO4 डाल दिया, अगर मैं H2PD के साथ CaCO3 डाल दिया तो ये सारे के सारे अल्केन्स में कन्वर्ट नहीं होते, अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस हैज बीन आस्क्ड एट लीस्ट 2 to 3 times इन द रिसेंट 5 years। पता नहीं क्यों इसको एग्जामिनर से प्यार है, तो आपको भी प्यार करना पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा है? देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। H2PD BaSO4 डाल दो या H2PD CaCO3 डाल दो, मतलब जो हम करा रहे हैं ना, H2PD अगर डाल दिया तो सारे मल्टीपल सिंगल हो गए, यहां पे ट्रिपल से डबल हो रहे हैं। अल्केन डायरेक्ट नहीं बनेगा, अल्काइन बनेगा। अब वापस अगर H2PD डालते हो तब अल्केन बनेगा। बात समझ में आई तो बोलिए हां। यस विनय, अभी उस पर आते हैं। अब देखो, ये जो H2PD BaSO4 है, ये जो H2PD BaSO4 है, इसको बोलते हैं रोजेंडमंड कैटलिस्ट, और जो H2PD CaCO3 है इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। द थिंग विच वी यूज टॉप अबव दिस एरो इज कॉल्ड रोजेंडमंड कैटलिस्ट, और बार बार एग्जाम में आता है, बार बार। और जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। फाइन, तो लिंडलार कैटलिस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अल्काइन से अल्कीन तक ही बना के छोड़ देगा। फाइन, आप देखिए, हाइड्रोजेनेशन में सीन एडिशन होता है, आपको सबको पता है। ये जो अल्कीन बना है तो ये भी सीन एडिशन से बना होगा, बिकॉज दिस इज हाइड्रोजेनेशन। सो कैन वी सी कि यहां भी सीन एडिशन हुआ है, तो क्या मैं बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये सिस अल्कीन है? भाई अल्काइन से अल्कीन बना है, सीन एडिशन से बना है, और सीन एडिशन से बना हुआ प्रोडक्ट हमेशा सिस होता है, बिकॉज सेम साइड एडिशन होती है, सीन एडिशन सिस अल्कीन। अब जो मैं बोल रहा था कि वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि देखो, बाग में हाइड्रोजिनेशन करके, नहीं ये भी ट्रिक नहीं है, बाग में ट्रिक ये है, अच्छा मेरा ही बनाया हुआ है भाई, बाग में चूना लगा के, ठीक है, बाग में चूना लगा के अगर हाइड्रोजिनेशन करोगे तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। भाई किसी को चूना लगाओगे तो दिक्कत तो होता है ना यार, बाग में अगर चूना लगाओ, चूना लगाना मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको यार, दो नंबर का काम करना उसी को तो बोलते हैं यार। अच्छा ये रहा, देखो बाग में चूना लगाओगे, बाग का मतलब क्या है, दिस BaSO4 इज बाग, चूना मतलब दिस चूना पत्थर CaCO3। अगर मैंने हाइड्रोजिनेशन को बाग में चूना लगाया, या किसी बाग में गया, किसी गार्डन में गया और वहां पे मैंने हाइड्रोजिनेशन में चूना लगा दिया, या बाग में चूना लगा के अगर हाइड्रोजिनेशन करूं तो फिर हमारा प्रोडक्ट रुक जाता है, डायरेक्ट अल्काइन नहीं बनेगा। अब हुआ क्या, देखो होता क्या है, हमने जो निकल और प्लैटिनम का शीट लिया था ना, उस पर चूना CaCO3 का पेंट कर देते हैं, BaSO4 का पेंट कर देते हैं, उसी को तो कहते हैं कि चूना लगा रहे हैं। यार मेटल का जो शीट है, हमने उस पर डायरेक्ट H2 रख दिया तो सीधा सीधा अल्केन बन जाएगा, लेकिन अगर हमने उस पर चूना लगाया, अगर हमने उस पर BaSO4 लगाया तो ये अल्काइन से अल्कीन बनेगा,
वो भी सिस अल्कीन बनेगा. व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इट विल बी सिस अल्कीन, जस्ट बिकॉज इट इज सिस अल्कीन, क्योंकि सिन एडिशन हुआ है. बहुत बढ़िया, और आगे आइए. सिस अल्कीन विल बी फॉर्म्ड, इज दिस क्लियर? अब मेरी मर्जी, मैं चाहता हूं मैं ट्रांस अल्कीन बनाऊं. सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनने वाला था, कोई बात नहीं, सिंगल बॉन्ड बना दिया. उसके बाद मैं डबल बॉन्ड पे रोकना चाहता था तो भाग में चूना लगा दिया. अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो क्या होगा, आइए देखते हैं. इफ वी वॉन्ट, अच्छा टाइम हो गया, बाय द वे टाइम हो गया ना, तो ट्रांस अल्कीन हम कल से उसको करते हैं कंटिन्यू. फाइन, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द ट्रांस अल्कीन टुमारो. एंड आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक में. ऑर्गेनिक इज लाइक अ मैथमेटिक्स. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारा ट्रिक हवा निकल जाएगा, हवा के थ्रू बाहर निकल जाएगा एटमोस्फेयर में, यूनिवर्स में, आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा. तो मैं क्या कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, तो वाई नॉट प्रैक्टिस गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. एंड दैट गुड क्वालिटी क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम वेयर? भाई ये रही रैंकर्स पैकेज नीट और जेई की. इसमें फैंटास्टिक टीचर्स और फैंटास्टिक यू नो मैनेजमेंट ने इस पर रिसर्च करके साइंटिफिकली डिजाइंड क्वेश्चंस डाले हैं, जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशंस में मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस. तो क्यों नहीं इसको आप परचेज करके प्रैक्टिस करते हैं धड़ल्ले से. फाइन, सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर राइट नाउ. प्रीवियस ईयर के लिए आपके पास दो तरह की बुक्स हैं. इफ यू आर जेई बाय दिस, इफ यू आर नीट स्टूडेंट बाय दिस. इफ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग दिस, यू नो कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, क्या करना है, हाउ वी कैन इंप्रूव द मार्क्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर. फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय. इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे टैग करते हैं तो मैं आपकी स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी में आपको भी मेंशन करूंगा. एंड मेक श्योर एवरी कॉर्नर ऑफ दिस इंडिया, इन दिस कंट्री, गेट दिस न्यूज दैट वी आर गिविंग फ्री क्वालिटी एजुकेशन डायरेक्टली फ्रॉम कोटा बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ कोटा. फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.